जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सबर और आप सबको वेलकम करता हूँ आखिरी बार हमारी सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात में। नाज़रीन, आज हमारी आखिरी नशरियात है इस साल की इंशाल्लाह, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत हम सबको जो है वो अप्रिशिएट किया। आज की खुसूसी नशरियात में मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा हमारी सारी टीम से, जिन जिन लोगों ने जो है वो यहाँ पे होस्टिंग की, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन लोग थे। तो हमारे साथ जो सबसे पहली होस्ट मौजूद है, इनका नाम है सैयदा महतूबा। अस्सलाम वालेकुम। तूबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या आपका जो है वो रहा एक्सपीरियंस इसका? ये फर्स्टली यहाँ पे आके बहुत सारी नॉलेज मिली होम्योपैथिक के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें सेहतमंद रमज़ान के, हम रमज़ान में क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिससे जो है हमारी जो है वो सेहत जो है वो अच्छी रहे, और मोस्टली के कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का जो है वो इंक्रीज हुआ है। जी, कैमरा फेसिंग हर एक को बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हर इंसान नहीं कर पाता। सही बात है, तो वो बात भी सीखे। अच्छा, एक और सवाल जो है हमारी ऑडियंस के जहन में होगा कि आपकी इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ है, आप कहीं पे जो है वो आपकी जॉब है या आप स्टडी कर रही हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ होम्योपैथिक में ही। तो इसका मतलब ये कि हमारी हो जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है और ये फाइनल ईयर में है, और इंशाल्लाह अगले साल जब हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन होगी तो इनके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर सैयदा महतूबा आएगा इंशाल्लाह। आपका मैं बहुत है ना शुक्र गुजार हूँ कि आपने जो है पूरे रमज़ान हमारा बहुत साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो हमारे साथ सेट पे मौजूद है हमारी दूसरी होस्ट जिनका नाम है इफ्रा शमशेर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने फर्स्ट टाइम कोई जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की, तो आपका कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें करने को मिली, और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट भी अगर हो तो आप प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा इंशाल्लाह। आपको भी हम है ना जी। तो एक और बहुत ही एनर्जेटिक होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, परिसा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, तो आप बताएं आपका जो है वो कैसा रहा एक्सपीरियंस का? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक्सपीरियंस जो है सर बहुत अच्छा गुजरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सो गुड। और जो है मैंने होस्टिंग काफ़ी की है, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और जिस तरह से कैमरे को फेस करना था, जब आपको पता है कि जब आप ऑडियंस में डिलीवर कर रहे होते हैं एज अ होस्ट, तो उसमें इतना फोबिया नहीं होता, स्टेज फ्राइट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सामने आपके पास कैमरा है, आपको देखना है, साथ में इतने सारे लोग हैं, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फेस करना आया कैमरा को, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको पता है मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो काफ़ी चीज़ें जो हमारे गेस्ट आए थे तो उससे जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने सीखी, और बस बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, लास्ट में मैं ये कहूँगी कि इस शो से जो है ना सेहत के हवाले से, जैसे हमारा ट्रांसमिशन सेहत के हवाले से, तो इससे मैंने ये सीखा कि हमें जो है ना क्या क्या चीज़ें हमें इनटेक करनी है, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनटेक करनी है, ताकि हमें वो चीज़ इनटेक करनी है, हमें ऐसी चीज़ खानी है कि जैसे कि हम कुछ खाते हैं, जैसे हम सब खा लेते हैं ऑयली चीज़ खा लेते हैं, रमज़ान है तो हम कोशिश करते हैं कि पकोड़े हो वो सब खाएं, लेकिन हमें साथ साथ जो है जब रमज़ान के बाद भी जो है वो हमें इसका ख्याल रखना है, और ये सोच के ख्याल रखना है कि जब हम कुछ खा रहे हैं, ये नहीं है कि ये हमारे जो सामने हमारे पास इतनी सारी चीज़ें ये आखिरी है, बाद में जो है वो हमें ये खाना या ये चीज़ जो है वो नहीं मिलेगा, तो ये सोच के हमें नहीं खाना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, ये भी होता है ना कि जब हम कोई चीज़ स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं यार ये आसान है, लेकिन आप जब बैठी कैमरे के सामने तो आपने बताया ये आसान नहीं था, सीरियसली बहुत मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह बहुत आपने अच्छे से किया और लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारा साथ रहेगा आपके साथ इंशाल्लाह। तो एक और जो है वो शख्सियत डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल रजाक जुम्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लानिंग लेबॉरेटरी से जो है वो इनका ताल्लुक है। हम एक बार फिर जो है जनाब मसूर अहमद साहब के बहुत शुक्र गुजार हैं, और उनके साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर तैयब साहब के भी, जो कि जो इस वक्त अमेरिका में है और हमारी नशरियात को देख रहे हैं, और वो चूँकि अमेरिका में इस वजह से जो है हमारी लास्ट ट्रांसमिशन में वो शामिल नहीं हो पाए, और साथ साथ हम मसूर अहमद साहब के बहुत शुक्र गुजार हैं जो कि अपनी मसरूफियात की वजह से जो है हमारी लास्ट ट्रांसमिशन में शामिल नहीं हो सके, लेकिन आप चूँकि आए हैं तो आपका सर बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें स्पॉन्सर किया, बहुत शुक्रिया। आपने पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन को जो है बाकायदा देखा भी है, तो आप क्या एंडिंग नोट जो है
वो देना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने डॉक्टर साहब अरेंज किया, इतना बेहतरीन प्रोग्राम। मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक हिस्ट्री में शायद ये एक समयबीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल समयबीन होगा कि इस तरह के प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ मकतब फिक्र से लोग आए, मुख्तलिफ चीज़, मुख्तलिफ जगहों से लोग, मुख्तलिफ इदारों से जो कि वेलफेयर के इदारे चला रहे हैं उनसे भी आए, इसके अलावा और डॉक्टर हजरात भी आए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और यकीनन मैं समझता हूँ कि आपको, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की आप न सिर्फ सेहत में रमज़ान बल्कि पूरा साल वंस इन अ वीक या जैसे आप अपने टाइम शेयर करके अपना टाइम देख कर उस तरह करें, तो मैं समझता हूँ कि ये अवामुन्नास के लिए भी और स्पेशली स्टूडेंट के लिए भी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ साबित होगी। जी तो आपका बहुत बहुत इंशाल्लाह ताला शुक्रिया नलाज। और नाज़रीन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की हमारी लास्ट ट्रांसमिशन का जो फूड स्पॉन्सर किया है वो किया है नोवा पिज़्ज़ा ने। नोवा पिज़्ज़ा के पास जो है वो तमाम फ्लेवर्स के पिज़्ज़ा मौजूद है। अभी हमने जो है वो खाया भी और बहुत ही उनका जो है वो जायका अच्छा था। आप चाहें तो उनके फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप अभी उनको ऑर्डर दें और अभी जो है नोवा पिज़्ज़ा आपके घर पे हाजिर हो जाए। एक और शख्सियत अब्दुल हार साहब, ये CEO हैं और पाक ऑनलाइन शॉपिंग के, इनका भी बहुत ताबून है हमारे साथ, ये हमारे जो है वो सपोर्टिंग पार्टनर थे। अच्छा सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आप ये बताएँ कि आपका जो है वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने देखी सारी ट्रांसमिशन, तो आपको जो है वो कैसे लगी? माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, मतलब कुछ मेडिसिन के हवाले से आपने आवाम को बताया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को सीखने को मिली इससे, ठीक है। और एक अच्छा नातिया मुकाबला हुआ, ताकरातों का एक मुकाबला हुआ, तो माशाल्लाह से एक अच्छी ट्रांसमिशन गई, एक अच्छा ऑडियंस पे असर होगा इसका इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके भी हम जो है बहुत शुक्र गुजार है कि आपने सपोर्ट किया। नहीं नहीं सर, शुक्र गुजार हम आपके हैं कि आपने हमें मौका दिया। जी जी। और आपने, हम समझते हैं कि ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक तौफीक दे आपको ये सिलसिला आगे चलाने की और हमें जो है आपका साथ देने की, तो इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे इसको आगे सिलसिले को। जी तो इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मोहम्मद फैसल साहब जो हैं आप समझे कि मेरा राइट हैंड है, बहुत ज़्यादा जो है हर कामों में जो है मतलब फैसल साहब जो है वो साथ होते हैं, वो सेमिनार्स हो। और जब सेहतमंद रमज़ान की हमारी बात हो रही थी तो हमने, हमारा मूड हुआ कि भाई हमने पिछले साल भी किया था, इस साल थोड़ा बेटर बनाना है यकीनन। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने किया और बहुत सारे और बहुत ही टफ स्केड्यूल था क्योंकि काम भी देखने हैं या फिर सेहतमंद रमजान भी देखनी है, लॉकडाउन सिचुएशन है, बहुत सारे मामले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब किया। और कैसा आप बताएं, क्या एक्सपीरियंस है आपका सर? सबसे पहले डॉक्टर साहब अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगा, यकीन बहुत से मसाइल का सामना भी किया और लेकिन अल्लाह की ज़ात ने हमें हर जगह से कामयाबी अता की है। लास्ट ईयर की आपने बात की, लॉकडाउन सिचुएशन थी, इरादा बना था सेहतमंद रमज़ान करने का और उसमें एक्चुअली काफ़ी सब कुछ बंद था ज़ाहिर है, तो हम ये सब कुछ कर नहीं पाए थे साइट वगैरह के, ऐसे बात कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा हमने सोचा बेहतर करते हैं, अल्लाह का शुक्र है फिर हमारे स्पॉन्सर्स, उन्होंने हमारा जो साथ दिया, समर टैन प्राइवेट लिमिटेड ने, लैनिंग लेबॉर्ट्री मसूद साहब का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ हनीमन बुक्स एंड फार्मेसी और फिर पाक ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनकी तरफ से मिली, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैंने देखा सोच भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये चीज़ मैंने नोट की, हमने जब जब कुछ डिसाइड किया अल्लाह के फसलों पे हमसे, हमने वो कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और व्यूअर्स सबसे स्पेशली आप लोगों की जो इन्होंने जो इस पर, सर मैं चाहता हूँ आपके कुछ वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए ना सर। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ, देखें एक जो काम करने वाला होता है ना, सही है, उसके लिए लोगों की अप्रिसिएशन बड़ी मायने रखती है यकीनन। और जो इंसान ये कहता है ना, नहीं मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, वो इंसान झूठ कहता है। नफ्सियात के हिसाब से भी सही है, मेरी स्पेशलिटी जो है वो नफ्सियात में, माशाल्लाह हर इंसान को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सही है। तो ये है कि आपकी तारीफ जो आप करते हैं और आप लोगों ने जो कुछ लोगों ने हमें तनकीद भी थी, सही है, उसको भी अप्रिशिएट किया और हमने माना कि ये गलती है ताकि हम उसको बेहतर बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत,
और जो आपने इतना हमें सपोर्ट किया, नो डाउट, नो डाउट कि वही हमारे लिए असल जो है वह एप्रिसिएशन है, और उसी से हमें जो है वो मोटिवेशन मिली बिल्कुल काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह मेरा भी यही इरादा है, इंशाल्लाह सर जिंदगी रही तो इस सिलसिले को हम लोग खत्म नहीं करेंगे, इंशाल्लाह और बढ़ाएंगे, और बहुत जल्द हमारे आपके साथ एक जो है वो सरप्राइज के साथ इंशाल्लाह ईद के बाद वो आपको बताएंगे। बिल्कुल यकीन है इंशाल्लाह, और आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, आपसे होगी मुलाकात बहुत जल्द एक नए शो के साथ। बिल्कुल इंशाल्लाह, और एडवांस में ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।